शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम कुबेरेश्वर धाम में आए हैं। कुबेर भंडारी का दरवाज़ा वो आप देख सकते हैं, सफ़ेद कलर में और गोल्डन कलर में वो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये रास्ता बनाया गया है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। सीधे अंदर घुसते हैं और आपको कुबेर भंडारी के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर वीडियो बनाने लगे तो यूँ मान लीजिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट कुबेर भंडारी के दरबार में आपको जाने में लगेंगी। ये पूरे टेंट की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ से इसलिए ये टेंट की व्यवस्था की गई है क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, उस रुद्राक्ष महोत्सव में काफ़ी सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, इसलिए ये यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं टेंट की व्यवस्था की गई है। और काफ़ी सारे भक्त लोग जाते हुए, जो लोग उधर से आ रहे हैं वो अरमान, जो लोग उधर से आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है आराम फरमा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, थकान बहुत ज़्यादा है इसलिए। और बाकी आपको दिखाते हैं अंदर चलकर कि कहाँ तक व्यवस्था है कहाँ तक नहीं। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, जो आना चाहते थे वो लोग अगर नहीं आए हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही इतनी ज़्यादा है, भीड़ ही इतनी ज़्यादा है। और यकीन मानिएगा कि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कुछ बोलना भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग लग चुके हैं कतार में। आपको एक बार यहाँ से कुबेर भंडारी के आश्रम के दर्शन आपको करवा देते हैं। उधर सामने दिखाइए, यहाँ कपड़े सूख रहे हैं हालांकि, लेकिन ये मेन आश्रम का गेट था और अभी घूमते घूमते यहाँ से जो है चीज़ें चल रही है। हजारों की भक्त में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम भी थके हारे आए हैं इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आप आते जाइए। गोपाल एक साइड हटिए मैम, आपको भीड़ दिखा देते हैं। भाई साहब आपको भीड़ दिखा देते हैं। गोपाल आते जाइए मैम। मैम श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा लग रहा है लाइन में लग के आपको अच्छा लग रहा है? चलिए ये भी आनंद है भैया। सब अपने अपने हिसाब से भोले बाबा के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ा सा साइड रखेंगे मैम, थोड़ी सी मदद कर दीजिए हम लोगों की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैम। तो ये भीड़ आप देख रहे हैं लगातार, इन भीड़ ने हमें जगह दी है उसके लिए शुक्रिया। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं, गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, गुरु महाराज के जो है नाम लेने के लिए आए होंगे लोग। अम्मा जी एक मिनट, बस एक मिनट भैया जी। जैसे तैसे हम निकल रहे हैं और यकीन मानिएगा गुरु मंत्र लेने के लिए लोग यहाँ पर आए थे, वैसा माफी चाहते हैं। भीड़ भड़ाका यहाँ पर है, काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको लांगते फांदते हम जैसे तैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। सर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर मीडिया को एंट्री मिल पाएगी क्या? काफी देर से लाइन में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। उन्होंने हमें शॉर्टकट दिया है, लेकिन जाने किधर से ये थोड़ा मुश्किल है, तो दूर से ही आपको दिखा देते हैं। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, जालियां चारों तरफ लगाई गई है और भक्तगण लगातार यहाँ पर आश्रम के अंदर जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा कि आज का जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि पर जैसा उत्साह होता है वैसा का वैसा ही उत्साह यहाँ पर है। और लगातार हम वीडियो आपको दिखाते हैं। आज थोड़ा थकावट महसूस हो गई वहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि वाकई में भीड़ है, वाकई में इतनी भीड़ है। और लगातार अनाउंस किया जा रहा है गुरु मंत्र के लिए जो है वो पर्ची दी जा रही है, और गुरु मंत्र पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, उस जैसे हालात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो है भीड़ यहाँ पर है। एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए, ये भक्तों की भीड़ आपको दिखा सकती है कि कितना यहाँ पर हुजूम है।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं और गुरु मंत्र के लिए लाइन में लगे हैं। अच्छा अच्छा, गुरु के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। अच्छा अच्छा, दो घंटे से खड़े हैं। दो घंटे हो गए आपको? जी जी जी। चलिए, आश्रम के अंदर आपको एंट्री मिले, भगवान आपको जो है जल्दी सुने और गुरु मंत्र आपको जो है जल्दी ही मिले, ये ऐसी कामना करता हूँ। स्कूल में कम से कम ऐसा तो बनाओ कि पब्लिक को पता पड़े, चल ढाई घंटे से खड़े लाइन में, अभी तक नंबर नहीं आया। देखिए, भी चल रही क्या? नहीं, कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पे। बाबूजी एक बात बताता हूँ आपको, भोले के भंडार में कोई वीआईपी लाइन नहीं होती, इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कीजिए। गुरुजी हमारे खुद बोलते हैं कोई वीआईपी लाइन नहीं, 3 घंटा हो गया खड़े खड़े, कम से कम 3 वर्ष। वो तो आप भोले को पाना है तो भैया आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। चलो करनी पड़ेगी ना, कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे तपस्या, कम से कम थोड़ा बहुत आगे पब्लिक बढ़े। उनके पास घड़ी नहीं है भोलेनाथ के पास, 2.5-3 घंटा जितना रोकना पड़ेंगे वो आपको दर्शन देने की जब सोचेंगे जब ही देंगे। गुरु जी खुद बोलते कोई वीआईपी नहीं, 3 घंटे से क्या गुरु जी दर्शन नहीं दे रहा है क्या? कोई वीआईपी नहीं है, हम मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, अब बोलिए हमको अंदर जाने दिया नहीं जाने दिया? ये जो गुरु दर्शन का और गुरु दक्षिणा का, ये दोनों टाइम डिवाइड करने चाहिए थे, इतने बजे तक दक्षिणा मिलेगी और बिल्कुल किए थे आप, पढ़ के नहीं आए। 9 बजे से 12 बजे तक गुरु दक्षिणा थी, लेकिन कुछ हो सकता है 1-2 घंटा लेट हो गया हो, अभी कथा शुरू होने वाली है। ये अनाउंसमेंट आया था कि गुरु दक्षिणा देंगे गुरु जी और साथ साथ दर्शन, 9 से 12 गुरु दक्षिणा, 1 से 4 कथा। कथा में टाइम डिवाइड नहीं था, किसी ने हमें नहीं किया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि था, टाइमिंग डिवाइड नहीं था, किसी ने तो सुना होगा, इतने भक्त हैं। बोला था 8 से 10 में, 8 से 10 कथा होनी थी, 10 के बाद दीक्षा प्रोग्राम था। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, भोलेनाथ इंतजार कर रहा है, बस कथाओं के बाद वो करवा रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे हैं, कुल मिला के ये बात है। आपको इंतजार की कोई समय सीमा होती? लाखों के भक्त, लाखों भक्त आए हुए हैं अंकल, लाखों भक्त आए हुए हैं, आप अकेले नहीं आए, लाखों भक्त वहाँ लाइन में खड़े हैं। अभी भक्ति है, लेकिन हम जो समस्या बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए ना। लाइन चलती रहे चाहे 4 घंटे लगे 6 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रोक दिया जाए कि टाइमिंग ही नहीं है, कोई टाइमिंग होना चाहिए था, टाइमिंग डिवाइड करते दोनों को, दोनों चीज को डिवाइड करते ना, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, 9 से 12 गुरु मंत्र थे, 1 बजे से 4 बजे तक जो है कथा थी। इंतजार कर लेंगे थोड़ा, बस गुरु दर्शन के लिए आए तो इंतजार तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा अंकल ने बिल्कुल सही कहा, करना पड़ेगा अंकल। देखो ये है कि लाखों भक्त आए हैं, आप कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम भी यहाँ पर आपके बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो हमें संयम रखना पड़ेगा ना कि जब तक भोलेनाथ नहीं बुलाएगा हम नहीं जाएंगे। एक बार खुश हो जाइए आप लोग। देखो एक पब्लिक में जोश कब आता है, जब रेगुलर लाइन चलती रहती है, पब्लिक सोचती है चलो भगवान के दर्शन हुए, आधे घंटे 1 घंटे में, अब 3 घंटे से पब्लिक सबको मोरल डाउन हो गई, बोले लाइन बढ़े गुरु जी तक ये बात पहुंचेगी। बिल्कुल, सुबह से हर हर महादेव चिल्ला रहे थे कि पब्लिक चलती रही आगे चलती रही, अभी मोरल कहाँ तक आप बताएंगे? बिल्कुल चलेगी, ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है सर, और भगवान करे आपको दर्शन भी हो, आप 3 घंटे तक खड़े हैं सर और गुरु जी तक ये बात जरूर पहुंचेगी। मैं खुद जा रहा हूँ, जाऊँ भले 1/2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वेट करें, गुरु जी के पास जाऊंगा, गुरु जी कहूंगा थोड़ा सिस्टमेटिक करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिस्टम मानते हैं, सिस्टम के लिए आप लड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा सिस्टमेटिक करिए जिससे क्या आम जनता को तकलीफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल अंकल, ये जो पब्लिक लाइन में लग रही है कम से कम ये रोटी खा के फिर आ जाते हैं। इसमें क्या देखो, एजेड भी है, एजेड भी है, बच्चे भी है, फैमिलियां भी हैं, सबकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतनी देर खड़ा रह सके। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आप इंतजार कीजिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका नंबर जल्दी ये बात पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी, सिस्टमेटिक थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, हाँ बिल्कुल पहुंचेगी अंकल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये गुरु पूर्णिमा का इंतजार करेंगे गुरु जी का, इसी बात ये देखिए, ये उत्साह भी एक उत्साह भी था, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, यहाँ भीड़ लाखों की भर चुकी है और काफी सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ये गुरु पूर्णिमा का उत्साह था, हम गेट के बाहर खड़े थे, एक बार गेट दिखा दीजिए, ये गेट के बाहर हम खड़े हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्साह है, तमाम सारी चीजें हैं और लगातार भक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।